स्वागत है किसान भाइयों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको ले के आए हैं खीरे के खेत में, और आज हम आपको बताएंगे कि खीरे के खेत में आने वाली प्रमुख समस्याएं और खीरे की खेती कैसे की जा रही है। तो ये देखिए कितने अच्छे से हो रहा है किसान भाइयों खीरे का खेत, ये देखिए। तो हम आपको दिखाएँगे खीरे की खेती में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है आपको। तो जैसे कि ये नहर हो रहा है, लगभग ये नहर ख़त्म होने वाला है, तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, बोरोन का स्प्रे करना है और उसके साथ में एंट्राकोल का स्प्रे करेंगे आप, तो ये आपका जो नहर है पूरा बच जाएगा। ये देखिए इस खेत में कितने अच्छे से नहर आया हुआ है, और खेत का कलर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एंट्राकोल, ह्यूमिक एसिड और एमामेक्टीन और साथ में बाउस्टीन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक किसान भाई, जरा दिखाए कैमरामैन कितने अच्छे से फैलाया हुआ है इस खेत में। इसके बराबर का कोई भी खेत नहीं है खीरे का, जायराफन हाइब्रिड बीज है ये देखिए। और आपको खीरे का जो मचान बनाना है वो भी अच्छे से मजबूत करके बनाना है, ये देखिए किसान भाई। और जिस किसान के खेत में खीरा है इसका साइज़ कम है, यदि ऐसा आप चाहते हैं साइज़ का खीरा, तो कैल्शियम याराविटा सेनीफोस आता है उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हमने स्प्रा कराया है और जो मक्खी आती है लाल मक्खी किसान भाई है, उससे बचने के लिए आप एसिटा 20% 25 लीटर में 20 ग्राम का यूज़ कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल करने से आपका खीरा साफ़ सुथरा और फुल कलर में आएगा। ये देखिए किसान भाई कितने अच्छे से खीरा आया हुआ है इस खेत के अंदर, ये देखिए। तो जिस किसान भाई को भी खीरे से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही हो हमसे कमेंट में पूछ सकता है, हम आपको उसका पूरा सोल्यूशन बताएंगे। और जो आप इसमें नीचे फर्टिलाइज़र डालते हैं, खाद डालते हैं, उसमें भी आपको खास ध्यान रखना है, वो क्या करना है आपको, सल्फेट ज़रूर लगाना है, एक एकड़ में 50-40 किलो लगाना है आपको, और उसके साथ में याराविटा का जो कैल्शियम आता है नीचे डालने वाला वो भी डाल सकते हैं। आइए किसान भाई और दिखाते हैं हम आपको, पूरा विजिट कराएँगे, और आप देखिए कितने अच्छे से हरा खीरा आ रहा है नेचुरल जो आप। और देखिए किसान भाई ये देखिए किसान भाई ये देखिए किसान भाई आगे को आइए और दिखा दें हम आपको। हमने आज इसमें स्प्रे करा दिया है हैवी फंगीसाइड जो हमने आपको बताया है, और दिखाई दे रहा कैमरा में। तो यदि आपको ये हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, जानकारी अच्छी लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले किसान भाइयों, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम आपको लाइव विजिट करा रहे हैं, ऐसे कोई भी यूट्यूबर नहीं कराता है किसान भाइयों। ये देखिए कितने अच्छे से लगा हुआ है, कितना खीरा है दिखाई दे रहा कैमरा मैन, ये देखिए। ये भी देखा जरा कैमरा मैन इधर, ये देखिए कितने अच्छे से आए हुआ है जायरा F1 हाइब्रिड, ये देखिए। तो किसान भाइयों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यही हमारी मेहनत होती है। और आपको इसमें नमी का भी खास ध्यान रखना है, जिससे खीरे का साइज मोटा और अच्छा हो जाए। ये देखिए किसान भाइयों कितने अच्छे से आया हुआ है, ये देखिए। और आप इसके साथ में क्या कर सकते हैं किसान भाई, साथ साथ में कद्दू की खेती भी कर सकते हैं, ये देखिए इसमें कद्दू भी बोया हुआ है हमने। ये बादल है F1 हाइब्रिड के नाम से आता है जो मार्केट में, ये देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ कर रही है बैल, ये देखिए कैमरा मैन जरा दिखाई जूम करके अच्छे से। तो आप इसके साथ में खीरे के साथ में कद्दू की खेती भी कर सकते हैं, क्योंकि खीरे की खेती 15-20 दिन से चलेगी, फिर उसके बाद हमारा कद्दू स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए दिखाई जरा कैमरा मैन कितना खीरा आया हुआ है, ये दिखाई जरा जूम करके, ये भी दिखाई किसान, ये देखिए। तो जिस खीरे से रिलेटेड कोई भी समस्या हो किसान भाइयों, कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही किसान भाई, धन्यवाद।